दोस्तों, हम सब अब्राहम लिंकन का बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जो एक महान व्यक्ति थे। तो फिर चलिए उनका बारे में थोड़ा विस्तार में जानते हैं। ऐसा है कि अब्राहम लिंकन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 में केटेगी नाम का एक स्थान पे हुआ था। उनके पिता का नाम थॉमस लिंकन और माता का नाम नांसी लिंकन था। वो एक औसत परिवार से ताल्लुका रखते थे। खेतीबाड़ी करके उनका परिवार उनका जीवन निर्वाह करते थे। अब्राहम लिंकन का पढ़ाई लिखाई भले ही ठीक से नहीं हुआ था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में उनका बेहद रुचि और शौकीन था। वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले रिपब्लिकन पार्टी के पहले सदस्य थे। 15 अप्रैल 1865 में उनकी हत्या कर दी गई थी। जीवन कठिन है लेकिन बेहद खूबसूरत है, वो हमेशा कहते थे। उनका जीवन का कुछ बात जानकर हर किसी को इंस्पायर और आगे बढ़ने की मनोबल मिलता है। वो हमेशा कहते थे, हर असफलता का पीछे सफलता छुपी हुई है। एवरी सक्सेस स्टोरी इज ए स्टोरी ऑफ ग्रेट फेलर। उन्होंने लगभग 30 साल असफलता होने के बाद आखिर में उनको सफलता मिला था। वो ऐसा है कि 21 साल का उम्र में उन्होंने उनको व्यापार में असफलता मिला और 22 साल का उम्र में एक चुनाव में वो हार गए थे। 24 साल का उम्र में उनको वापस व्यापार में असफलता मिला और 26 साल का उम्र में उनका पत्नी का देहांत हो गया। 27 साल का उम्र में उनका मानसिक स्थिति बिगड़ गई। 34 साल का उम्र में उन्होंने कांग्रेस के चुनाव में हार गए थे। 45 का उम्र में उन्होंने सीनेट के चुनाव में हार गए थे और 47 का उम्र में उन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव में हार गए थे और 49 का उम्र में उन्होंने सीनेट के चुनाव में हार गए थे। और वही आदमी 52 साल उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुने गए। तो इतना साल स्ट्रगल करने के बाद उनको आखिर में सफलता मिला। और ये जो जीवन से हर इंसान को सीखना बहुत ज़रूरी है। वो हमेशा कहते थे, तुम जो भी हो लेकिन नेक बनो। मैं एक धीमी गति से चलता ज़रूर हूँ लेकिन कभी वापस नहीं चलता। यदि इंसान शांति चाहता है तो लोकप्रिय होने से बचे। तो फिर ऐसा ही था अब्राहम लिंकन का जीवन। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वनाथ। अगर मेरा छोटा सा जानकारी से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला तो कृपया आप मेरा इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।